अक्टूबर का महीना खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। महीने के आखिरी दिन 31 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार है, लेकिन उससे पहले ही सरकार आम आदमी के जेब से जुड़े कुछ बदलाव करने जा रही है। हर महीने की तरह ही नवंबर का महीना भी कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार तक के नियम शामिल हैं। हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और नए रेट जारी करती हैं, जिसके बाद अब सिलेंडर के भी नए रेट जारी हो सकते हैं। इस बार भी 1 नवंबर को इसकी कीमतों में संशोधन देखने को मिल सकता है। लोग इस बार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें घटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। LPG सिलेंडर की कीमत लगातार 3 महीने से बढ़ रही है और अब नवंबर में फिर सिलेंडर में बदलाव की उम्मीद है। CNG, PNG के अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल के दाम में भी संशोधन किए जा सकते हैं। बीते कुछ महीनों में हवाई ईंधन के दामों में कटौती देखने को मिली है और इस बार भी कीमतें कम किए जाने के फेस्टिव गिफ्ट की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा CNG और PNG के भाव में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। SBI कार्ड में भी 1 नवंबर से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो इसके क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस से जुड़े हुए हैं। 1 नवंबर से अनसिक्योर्ड SBI क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा बिजली, पानी, LPG गैस समेत अन्य यूटिलिटी सर्विसेज में 50,000 रुपये से अधिक पेमेंट पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। SEBI ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को टाइट करने की भी तैयारी कर ली है और नवंबर महीने की पहली तारीख से ये लागू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए जो नए इनसाइडर नियम लागू होने जा रहे हैं, उनके मुताबिक अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड में नॉमिनी लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों की ओर किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन की जानकारी अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। सरकार ने जियो, एयरटेल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वो स्पैम नंबर्स को ब्लॉक कर दे। ऐसे में कंपनी अपने सिम यूजर्स तक मैसेज पहुंचने से पहले ही मैसेज को स्पैम लिस्ट में डालकर नंबर ब्लॉक कर सकती है। अब देखना होगा कि इन बदलावों से आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ता है, आम आदमी को बढ़ती महंगाई से राहत मिलती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।